हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई पर्व के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये अपनी पोजीशन इंडिकेट करेगा, अपनी लोकेशन बताएगा ये कहाँ है। जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, हमने न्यू ई पर्व रिसीव किया है। इसके ऊपर लिखा है 406/1 to 1.5 MHz। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये अपनी लोकेशन सेंड करता है। ये ट्रांसमिट करेगा कोडेड मैसेज ऑन 406 MHz थ्रू कोस्पा सारसेट सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के द्वारा ये अपनी लोकेशन अर्थ स्टेशन को बताएगा एंड अर्थ स्टेशन जो है MRCC रेस्क्यू टीम को बताएगी। उनको ये पता चल जाएगा कि ये शिप इस पोजीशन में डेंजर में है, तो वो लोग हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। जब रेस्क्यू टीम आती है तो उसमें कोई हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट भी होता है सर्च करने के लिए। उसके लिए ये 1 to 1.5 MHz पे होमिंग सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिसकी हेल्प से एयरक्राफ्ट भी हम लोगों की पोजीशन ढूंढ सकता है। इसका मैं टेस्ट बता देता हूं आपको, इसको टेस्ट कैसे करते हैं। ईपर पे इस पे आप देख सकते हैं, एक साइड लिखा है ऑन और बीच में ऑफ है, और राइट साइड में लिखा है टेस्ट। सो टेस्ट के लिए इसको कंटिन्यू 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, देन इसके ऊपर एक LED फ्लैश होगी। सारी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर ही लिखी रहती है, सो इसमें कोई डरने वाली या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। आप इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, एज पर मैनुअल आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने शिप की वीडियो दिखाता हूँ जहां पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है। मैंने खुद ही इसको इंस्टॉल किया है। मंकी आइलैंड पे इसको रखा जाता है टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन शिप। शिप के सिंक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है एंड अपनी पोजीशन इंडिकेट करने लगता है। इसको हम मैन्युअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है तो इसको हम ओपन करके इसमें से ईपर्ब अपने साथ लेके जा सकते हैं एंड हम उसको मैन्युअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट में लिख के बताइए ये वीडियो कैसी लगी। होप आपको अच्छी लगी हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय हिंद।